छत्तीसगढ़ में आज से आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज, 3 दिन तक दिखेगी आदिवासी संस्कृति की झलक। आदिवासी महोत्सव को बीजेपी ने बताया पब्लिसिटी उत्सव। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, बोले पब्लिसिटी के लिए 10 से 20 करोड़ खर्च करना गलत। छत्तीसगढ़ में कर्ज पर सियासी बयानबाजी तेज। बीजेपी ने मंत्री कवासी लखमा को दी जानकारी को दुरुस्त करने की नसीहत। बघेल सरकार के लिए कर्ज लेने पर उठाए सवाल। एमपी में खाद की किल्लत से किसान परेशान। दमोह में किसानों ने किया चक्का जाम। अशोकनगर में सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन। मुरैना में कोचिंग संचालक और स्टूडेंट्स के साथ हुई मारपीट और लूट के विरोध में कई कोचिंग संचालकों के साथ मिलकर थाने में दिया आवेदन। उज्जैन में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े महिला से की लूट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। नीलगंगा थाना क्षेत्र का है मामला। गरियाबंद में ऑनलाइन ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार। ग्रामीण से 99,000 रुपए की थी ठगी। आरोपी महिला नैना राजपूत अशोकनगर दिल्ली की निवासी। बिलासपुर में बीती रात युवक की चाकू मारकर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इलाज के दौरान युवक की हुई थी मौत। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है मामला। बड़वानी के ग्राम पंचायत धमनई में नल जल योजना के तहत डाली गई है पाइपलाइन, फिर भी लोग नाले का पानी पीने को मजबूर। सरपंच का आरोप, सचिव नहीं दे रहा ध्यान। महासमुंद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का राष्ट्रीय क्षय योग नियंत्रण जांच टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान जांच टीम ने लैब, ओपीडी, दवा वितरण कक्ष का भी निरीक्षण किया। बिलासपुर के मंगला चौक के हुक्का बार में पुलिस का छापा, बार मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई। पीएम मोदी आज 18वें दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियाना सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम ऑनलाइन शामिल होंगे। पीएम ब्रुनेई के सुल्तान के न्योते पर आसियान भारत समिट में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। सम्मेलन में आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी, कोरोना, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रोम और ग्लासगो की यात्रा पर रहेंगे। मोदी आज शाम को रोम के लिए भी रवाना होंगे। पीएम मोदी इटली में G20 शिखर सम्मेलन और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने किया अग्निफायर मिसाइल का सफल परीक्षण। 5,000 किलोमीटर तक टारगेट हिट करने में सक्षम है मिसाइल। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ मिसाइल का सफल परीक्षण। मिसाइल के जद में चीन, पाकिस्तान सहित पूरा एशिया आएगा। अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे DRDO ने बनाया है। मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल से लैस है। एक साथ मल्टीपल टारगेट के लिए लॉन्च की जा सकती है। मिसाइल डेढ़ टन तक न्यूक्लियर हथियार से जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है।